हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के बारे में। तो किया कैरेंस को किया मोटर्स ने 16 दिसंबर को अनवील किया है और ये एक एमपीवी और एसयूवी का कॉम्बिनेशन बोली जा रही है। यानी कि यहाँ पे कंफर्ट और स्पेस तो आपको ऑफर की जा रही है एक एमपीवी की, लेकिन वहीं इसकी बोल्डनेस और टफनेस है एक एसयूवी की तरह। अब किया कैरेंस जो है ये एक थ्री रो सीटर फैमिली कार होने वाली है और अपने सेगमेंट की सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस की कार ये होने वाली है। कैरेंस जो वर्ड है वो बनता है दो वर्ड से मिलके, जो कि है कार और रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिवाइव करना। सो यहाँ पे क्लियरली जो मतलब आता है वो होता है रीबर्थ ऑफ द कार। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं किया चाहती है इस कार के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू अपनी इमेज को रीबर्थ देना। हाल ही में हमने देखा है दैट किया के प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया में एटलीस्ट सेफ्टी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया ने इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। सेफ्टी फीचर्स में आइए देखते हैं हम क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली चीज है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। उसके अलावा इसमें ESC दिया गया है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, VSM व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। देन वी हैव डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, डिस्क ब्रेक्स इन ऑल दी व्हील्स एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बात करें अगर किया कैरेंस के डिजाइन के बारे में, तो किया ने कैरेंस को एक इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इसका फ्रंट फेस हमें ऑफर करता है स्प्लिट डिजाइन हेडलैम्प एंड DRL। इन्हीं हेडलैम्प और DRL के बीच में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल क्रोम लाइन जाती है अक्रॉस दी फ्रंट फेस, जो कि एक काफ़ी एलिगेंट लुक प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम बात करें किया की सिग्नेचर टाइगर ग्रिल के बारे में, तो किया ने टाइगर ग्रिल यहाँ पे ऑफर करी है हमें लोअर पार्ट में यहाँ पे। अब अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो साइड प्रोफाइल से कैरेंस हमें ऑफर करती है SUV लाइक एक्सटीरियर विद बोल्ड साइड प्रोफाइल एंड शार्प एज कैरेक्टर लाइंस। वहीं अगर व्हील आर्चेस की अगर हम बात करें, तो किया कैरेंस में काफ़ी बड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं विद ब्लैक क्लैडिंग, जो कि उसको एक SUV टाइप लुक और अपील देते हैं। वहीं साइड में अगर हम देखें तो इसकी डोर के विंडो के पास क्रोम लाइनिंग जाती है फ्रॉम द फ्रंट टू द रियर एंड। कैरेंस की रियर के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें ऑफर करी गई है स्टारलाइट LED टेल लैम्प्स, जो कि हमें फ्रंट में भी एक स्टारलाइट LED हेड लैम्प्स का डिजाइन भी ऑफर किया गया था। वहीं इसके अगर पीछे के लोअर पार्ट में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक 3D क्रोम गार्निश ऐड किया गया है, जो कि इसको काफ़ी एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कैरेंस के साथ किया ने 3 नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से पहला है इंपीरियल ब्लू, सेकेंड है मॉस ब्राउन एंड देन स्पार्कलिंग सिल्वर। कैरेंस हमें अवेलेबल होगी मल्टीपल इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस में, जैसे कि 7-speed DCT पेट्रोल वेरिएंट में और 6-speed ऑटोमेटिक इन डीजल वेरिएंट। अब अगर बात करें कि किया कैरेंस हमें क्या फीचर्स ऑफर करते हैं, तो किया कैरेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करे गए हैं, जैसे कि 8-speaker Bose साउंड सिस्टम, 10.25-inch टच स्क्रीन, एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एयर प्योरीफायर विद वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर, मल्टीपल ड्राइव मोड्स जो कि आते हैं इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट में, एंड इंडियंस की फेवरेट सनरूफ। बात करें अगर कैरेंस के अंदर इंटीरियर कैसा ऑफर किया गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रैप अराउंड लुक ऑफर किया गया है, जो कि कंटिन्यू होता है उसके फ्रंट डोर्स के अंदर भी, और वहीं जाके डैशबोर्ड उसके फ्रंट डोर्स में मर्ज हो जाता है। साथ ही डैशबोर्ड को एक काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ऑफर की गई है, जो कि एक प्रीमियम विजुअल ऑफर करती है इंटीरियर्स को। तो फ्रंट डोर्स के साइड में क्रोम गार्निश ऑफर की गई है, जो कि काफ़ी एक लग्जूरियस सा इफेक्ट देती है गाड़ी के अंदर। किया कैरेंस के इंटीरियर काफ़ी स्मार्टली भी डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि हमें डैशबोर्ड में मिल जाता है एक पॉप आउट टाइप कप होल्डर इन दी फ्रंट। साथ में हमें एक वेंट मिल जाता है, जिसमें हम थर्ड पार्टी एयर फ्रेशनर्स भी अटैच कर सकते हैं। स्टोरेज स्पेस मिलती है हमें फ्रंट डोर्स के अंदर तीन बॉटल्स तक की, एंड साथ में हमें अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। साथ ही में हमें मिल जाती है 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि इसके इंटीरियर को एक काफ़ी अमेजिंग लुक ऑफर कर देती है। बात करते हैं इसके सेंटर स्विचेस के, तो वो काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किए गए हैं और आपकी अटेंशन पक्का ग्रैब करते हैं। अगर ओवरऑल इंटीरियर्स की बात की जाए, तो किया कैरेंस काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर्स ऑफर करती है विद सूदिंग 2-tone इंडिगो एंड लाइट बेज कलर्स। साथ ही हमें ऑफर की गई है इलेक्ट्रिकली टम्बलिंग टू सेकेंड रो सीट्स टू एक्सेस दी थर्ड रो, और हमें एक अंडर सीट ट्रे भी मिल जाती है इन दी सेकेंड रो। साथ ही सेकेंड रो ऑफ सीट्स में भी हमें एक ट्रे मिल जाती है, जिसमें कि कप होल्डर के साथ साथ एक टेक होल्डर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना टैबलेट यूज रख सकते हैं, और साथ में अगर आप कोई काम करना चाहें तो काम भी कर सकते हैं। कैरेंस हमें ऑफर करती है स्पॉट लैम्प्स विद किया लोगो, जैसे कि अगर हम गेट खोलते हैं तो हमें नीचे किया के लोगों की प्रोजेक्शन मिल जाती है।
तो किया कैरेंस की सक्सेस स्टोरी पूरी डिपेंड करती है उसकी प्राइसिंग के ऊपर। अगर किया इस गाड़ी को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर पाती है तो नो डाउट ये कार पूरे सेगमेंट को डिस्टर्ब करके रख देगी। तो अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो किया को इसकी प्राइसिंग रखनी चाहिए फ्रॉम समवेयर अराउंड 14 लाख टू अराउंड 24 लाख। अब अगर बात करें कि यह कैरेंस कब से हमें अवेलेबल हो पाएगी, तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड डेट देख पाएं तो ये शायद से हमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो किया कैरेंस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल स्टडी ऑटो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।